आज का सफर है हमारा ओली का। ओली ना केवल अपने अंदर एक खूबसूरती को बिखेरे हुए है, साथ ही साथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत लिख है। आज हम आपको लेके जाने ओली। ओली जोशीमठ के पास ही है और यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। आप रोड मार्ग से भी जा सकते हैं और आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं। जोशीमठ से ओली की ट्रॉली भी मिल जाती है जो कि आने जाने का किराया है। ओली में रुकने के कई स्थान हैं, आपको 1000 रुपये से लेकर और काफ़ी हाई लेवल तक मिल जाएंगे। ज़्यादातर ओली में सरकारी गेस्ट हाउस है, लेकिन जनवरी के समय में ओली की रंगत अलग हो जाती है। आज हम निकले अपने TUV 300 से और आपको घुमाएंगे ओली, और TUV हमारी निकल पड़ी है ओली के खूबसूरत सफर। नैनीताल, भवाली, भीमताल, रानीखेत, मसूरी, धनौल्टी, ये सब तो मैंने आपको घुमा दिए। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ओली। जिप्सी के सामने खड़ी TUV 300 अपने आप में अलग ही अपनी रंगत खेल रही है और खूबसूरत बर्फबारी इसको चार चांद लगा रही है। अगर आप ओली आना चाहते हैं तो आप बाया ऋषिकेश और जोशीमठ होके आ सकते हैं, या फिर आप रानीखेत की तरफ से भी नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत होते हुए भी खूबसूरत हिल स्टेशन पे आ सकते हैं। ओली इंडिया का सबसे चहेता हिल स्टेशन है, यहाँ पे 12 में से 8 महीने तो कम से कम ज़्यादातर बर्फबारी होती ही रहती है, और यहाँ पे आप स्कीइंग का मज़ा उठा सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रॉली का एंजॉय ले सकते हैं, और आप सड़क तो देख ही रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो मैं आपको घुमाना चाहता था, अभी हमें आपको मुक्तेश्वर की बर्फबारी दिखाई थी, धनौल्टी की बर्फबारी दिखाई थी, आज हम आपको दिखा रहे हैं सबसे मेरा सबसे फेवरेट हिल स्टेशन ओली। ओली ना केवल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है बल्कि रेयर भी है, क्योंकि ओली के बाद आपको कहीं भी जाने के लिए या तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी या फिर वाया आपको हेलीकॉप्टर या फिर इन तरीके के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ओली अपने आप में एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य को देता है, आप आपकी स्नो देखिए और TUV 100 स्नो में कैसे धड़ल्ले से चल रही है और अभी शानदार परफॉर्मेंस की रहती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ही हंसी वादियाँ, खुला आसमान, ऐसा लगता है कि जाने में आ गया हो रहा वाला गाना भी याद आया था है। देखिए और यहाँ पे चाय का आनंद लेने में तो अलग ही मज़ा आता है। हाथों की दशा देखिए, बिल्कुल ठंड में बिल्कुल हाथ जम जाते हैं और बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होगा कि इतनी ठंड, जब बर्फ़ गिरती हुई ठंड बहुत ही कम हो जाती है समय पे, लेकिन जब बर्फ पिघलने लगती है उस समय की ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। आप नज़ारा देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन खूबसूरत हंसी वादियों के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये वादियाँ आपको बार बार देखने की नहीं मिलती, और जब भी आप यहाँ आते हैं आपका मन करता है क्यों ना हम वापस आ जाएं और खूबसूरत नदियों के किनारे, खूबसूरत वादियों के किनारे ओली बसा है। चलिए इस सफ़र को हम यहाँ तक ही लाए थे, अब चलिए हम अपने सफ़र को वापस अपने घर की ओर मोड़ते हैं। ऐसे ही खूबसूरत जगहें आपके लिए अनुपम मिलसेंट खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल के थ्रू लाता रहता है। चलिए इसी के साथ आपसे इस खूबसूरत बर्फबारी और इस खूबसूरत हिल स्टेशन ओली, जहाँ आप जाना चाहें तो आप हर तरीके से जा सकते हैं। आप जोशीमठ से भी जा सकते हैं, रानीखेत से भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें।